किसमें नापते हैं? मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। किसमें नापते हैं? दोनों पे नापता है। दोनों में नापता है। अच्छा, सही है। ज्यादातर लोग गज में लेते हैं, मीटर में? देखो, जो कपड़ा गज से आ रहा है वो गज से मिलेगा, मीटर से आ रहा है मीटर से मिलेगा। 20 यार्ड जो लिखा हुआ है वो नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है कहाँ? ये हम लोग जो 20 लिखा हुआ ना, 20 गज ये थान वहीं से सिया। नहीं, गज कहाँ लिखा है? नहीं, लिख के बेचते ना वो लोग, जैसे आ रहा है वैसे। इसलिए आप कह रहे हैं ना, ये गज से कपड़ा है ही नहीं, आपको पता कानून की शायद इनका तरीके का, उन लोगों का बेचने का तरीके का ही है। तो हमने 20 लिख दिया, अब इसको नापेंगे तो 20 शायद गज निकले। 20 गज ही निकले ना, अब इसके ऊपर एक्शन कैसे होगा? सही तो रिसेप्ट है जिसमें लिखा हो कि गज के नहीं। मेरे भाई, मेरी बात सुने, कोई ऐसी रिसेप्ट है जिसके मुताबिक पता हो कि आपने गज के हिसाब से खरीदारी की? मेरे को थाने देखने पड़े। देखो, बिल जो आता है उसमें नहीं लिखा हुआ था यार्ड से। बस आइंदा बिल पे लिखवा के लीजिएगा अगर गज देंगे, क्योंकि गज अलाउ नहीं है। आपको पता है बात? नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, गज में है आपके पास? है गज में? सही, आपको पता नहीं गज में नहीं बेच सकते? तो मगर क्या करें, तो गज मीटर दोनों कपड़ा आ रहा है, दोनों रख लेते हैं। सही, तो उन लोगों से ना खरीदा करें ना, आगे से बोला करें भाई, ये पाकिस्तान का कानून है कि आपको मीटर में परचेजिंग करनी है, मीटर में काटना है। चलिए ठीक है, मगर वहाँ से गज से आते, हमारे जो मीटर से कपड़ा आता है मीटर से देते हैं। अच्छा, कोई जो गज में आता है उसकी रसीद वगैरह आपके पास है? रसीदें तो आती हैं। रसीद अगर है तो हमें दें, ताकि जो लोग आपको गज में बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो हर जगह मिलेगा आपको, पक्की रसीद थोड़ी होगी, वैसी रसीद होती नहीं। सही। अच्छा, और गज के जितने ये मेजरिंग स्केल जहाँ जहाँ मौजूद है ये उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जब इसमें अलाउ ही नहीं है तो ये आप रख ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे इसका? इनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक है वो चालान करेंगे कोर्ट में, और उनको सही है, और लेकिन के लिए इनको पाबंद करेंगे कि ये गज इस्तेमाल नहीं करें। जैसे सदर साहब भी साथ हैं, उनसे आपने भी बताया है, पब्लिक को भी आपने अवेयरनेस दी है कि आप खवातीन भी जो है वो गज से कपड़ा नहीं खरीदे। सही, आज के बाद खवातीन अड़ जाएगा, बहस कर लीजिएगा, गज में कपड़ा लेना ही नहीं है, हमारा राइट है, हमें मीटर में दो। इस वक्त उस शॉप पे मौजूद हैं जिसके हवाले से अभी दुकानदारों ने कहा कि जी हम वहाँ से परचेज करते हैं, वहाँ पे जाके काम करें। अच्छा, यहाँ पे हर तरह के हर स्टैंडर्ड का मेजरिंग स्केल मौजूद है, हर चीज मौजूद है इनके पास। गैस भी हमने वो निकाले हैं सारे, गैस को सीज कर रहे हैं सारा, और उनको कोर्ट में चालान करेंगे इनका। अच्छा, आपको पता है कि ये आप गैस के स्केल नहीं रख सकते? नहीं, मुझे स्केल नहीं। आपको पता है ये गज जो है वो इलीगल है, गज बेचना जुर्म है, अपने पास रखना जुर्म है, पता है आपको? सब मुझे नहीं था। क्यों इलम नहीं? ये जिस तरीके से आपने बाट रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, गज आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है। आपने मीटर भी रखे हुए हैं, कपड़ा जो भी है वो मीटर के हिसाब से बिकता है, जिस तरीके से सॉलिड चीज़ें जो हैं वो केजी के हिसाब से बिकती हैं, शेर और मन में नहीं बिकती हैं। इसी तरीके से आपको पता है गज के हिसाब से तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, फिर आप क्यों बेच रहे हैं? सर, मार्केट में दस्तियाब था तो इसलिए ले रहा हूँ मैं मार्केट से, और मार्केट से ही ले रहा हूँ। सर, कर रहे हैं ना? जी जी, मार्केट तो आप है ना, आप लोगों को ये सेल कर रहे हैं ना? लोग क्यों इस्तेमाल करें? छोटी दुकानों का और बड़ी दुकानों का एक्सेस तो आप तक होगा ना, वो वहाँ से थोड़ी ना जाके लेंगे। जी बिल्कुल, रिटायर तो मुझसे सारे काउंट कर लिए, और हमारे कानून के मुताबिक ये है कि सारे गज जब्त हो जाएंगे, और कानून के मुताबिक इनको जो है वो चालान किया जाएगा। दूध के लिए आपको पता है लीटर का पैमाना यूज होता है, तो ये हाफ मिली लीटर। सही। अच्छा, अक्सर दूध वालों को देखा है वो इतना ज्यादा हिलाते क्यों रहते हैं? हीटिंग करते हैं। उसमें क्या चीज़ है? हिलाने आते हैं ना, दूध यहाँ तक लबालब भरा हुआ होगा। हाँ। तो फिर एक लीटर होगा, तो जब ये इसको हलाएंगे तो दूध तो छल के नीचे गिर जाएगा ना, तो जिस कस्टमर के पास जाएगा उसको पूरी क्वांटिटी तो नहीं मिलेगी, तो ये सरासर चीटिंग है, धोखा नहीं है। तो हमने देखा नहीं, अभी आपने प्रोग्राम किया कि गज में कपड़ा हमारे कानून के मुताबिक नहीं बिकेगा, मीटर में बिकेगा। इसी तरीके से दूध, पेट्रोल, लिक्विड, जितनी भी चीज़ें हैं
भाई वॉल्यूम जो सेल होनी है वो लीटर में होगी। आगे पाकिस्तान का कानून ही यही है, शेयर में अगर कोई बेच रहा है तो वो इलीगल है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि लीटर जो है जिस तरीके से लीटर जो है गज से ज्यादा है, इसी तरीके से लीटर जो है वो शेर से ज्यादा है। लेकिन जैसे आप अभी चल रहे हैं आपके साथ, जैसे हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ विजिट करते हैं या कोई और विजिट करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साथ में होती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई और। नहीं, अभी हमने किसी जगह पर ऐसा प्रॉब्लम अगर फेस होता है तो हम पुलिस को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसी फोर्स हमें मुहैया की जाती है, पुलिस हमारे साथ होती है। खुफिया ने काविश की कि दिखाया जा सके कि आवाम के साथ पैमानों में क्या हेरा फेरी की जा रही है। खामोशी जालिम को मजबूत और मजलूम को कमजोर तर कर देती है। इतनी आवाज बुलंद करें कि आगे कोई जुर्रत ना करे धोखा दही की। खुफिया ने वेट एंड मेजरमेंट के साथ जब तराजुओं को चेक किया तो मालूम हुआ कि पंखे के नीचे तराजू लगाने के टोटके और फिर आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। चंद ग्राम की हेरा फेरी शाम होने तक कई किलो बन जाते हैं। इंच इंच की चोरी कई मीटर और कुछ मिलीलीटर की चोरी कई लीटर बन जाते हैं। इसलिए आवाम को आगाह करना बहुत जरूरी है और इस आगाही से ही माशरे में किस हद तक सुधार पैदा होगा आप देखेंगे।